So we are back again with our live session. I hope the audio is fine. Please check if the audio is fine and kindly tell me in the comment section. Okay, thank you. Thank you. Thanks for telling. There was some network issue. So, a very good evening to everyone. I hope you all are doing great. And strictly, aap sab lockdown ko follow kar rahe honge. So, again, I would say that we all are going through some hurdles in life. And believe me, when we will overcome this critical scenario, we will have a lot of stories to share with our kids. Well, just kidding. So, aap lockdown ko follow karte hue apne ghar mein rehkar इस अमेजिंग टॉक शो का हिस्सा बन सकते हैं विद नन अदर देन मिस दिव्या दत्ता और आपकी आवाज बनकर आपके सवाल ही पूछूंगा मैं आज आपका होस्ट दिव्यांश भारद्वाज. ओके, सो हमारे साथ हमारी गेस्ट बहुत ही जल्द जुड़ने वाली हैं. लेट मी जस्ट ऐड हर. और गर्मी बहुत है तो आप लोग एक रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक लेकर बैठ जाइए क्योंकि आज मौका नहीं मिलने वाला है इस सेशन को छोड़ने का. जल्दी से आ जाइए और हमारी गेस्ट बहुत ही जल्द हमारे साथ जुड़ने वाली हैं. एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स. I know it's a pleasure listening me and it will be a great pleasure and it will be a memorable session with our guest, none other than Divya Datta. And as soon as she's joining, aap sab log precautions lete rahein aur dhyan rakhein ki jaan hai to jahan hai aur jahan hai to kadmon mein sara aasman hai. You all are eagerly waiting and I am also eagerly waiting कि जल्दी से हमारी गेस्ट ज्वाइन करें और हम ये अमेजिंग सेशन स्टार्ट करें. एंड शी इज नॉट ओनली एन एक्टर, शी इज एन ऑथर एज वेल एंड शी हैज रिटन अ ब्यूटिफुल बुक. आई रेड इट एंड इट्स अमेजिंग. एंड आज उनसे उनकी लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी. सो जल्दी से अपने दोस्तों को और अपने घर वालों को ये लाइव शेयर करिए जिससे वो भी जुड़ सके हमारे संग और इस अमेजिंग लाइव सेशन का हिस्सा बन सके. तो जल्दी से आप लोग भी ज्वाइन करिए और अपने क्लासमेट्स को और अपने दोस्तों को अपने घर वालों को ये लाइव सेशन शेयर करिए. एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग. और जल्दी से कमेंट सेक्शन में जब तक हमारी गेस्ट ज्वाइन कर रही हैं जल्दी से बताइए कि आपको दिव्या मैम की कौन सी फेवरेट मूवी लगती है. जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए. And our guest will be with us in a minute. Okay, Bhag Milkha Bhag, Ram Singh Charlie, Bahubali. I can see a lot of comments. और सारे के सारे बहुत ही ज्यादा movies देखते होंगे. Yeah, Divya ma'am is here. She is joining in a minute.
Yeah, I have seen those movies and those are actually great. I think there is an issue. There might be some network issue. I have resent the request already. I think there might be some network issue or something. So we'll join her as soon as possible. I've already sent the request to her to be in our live session. She'll be joining very soon, and I hope आप सब लोग आज के सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे एंड I have sent the live request to Divya ma'am. I hope she'll be joining very soon. Yeah, so जैसे ही वो join करेंगी, we'll be starting. There might be some network issue. और तब तक आप लोग बताते रहिए कौन सी आपकी फेवरेट मूवी है, और तब तक मैं आपकी जरा नॉलेज चेक करता हूँ. दिव्या मैम ने एक बुक लिखी है और अभी मैं उस बुक का जिक्र भी कर रहा था, लेकिन उसका नाम मैंने नहीं बताया. तो जल्दी से आप लोग उसका नाम बताइए, किस किस को नाम पता है, और जो सबसे पहले बताएगा आई विल गिव अ शाउट आउट टू द पर्सन. जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, और जब तक दिव्या मैम आती हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी बुक का नाम है जो दिव्या मैम ने लिखी है, एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी फेमस, इट्स अ बेस्ट सेलर.
और जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी बुक है जो दिव्या मैम ने लिखी है, एंड उसका हमने क्लू भी पोस्ट किया था, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। शी विल बी ज्वाइनिंग अस रियली सून एंड देयर इज अ नेटवर्क इशू, सो बी पेशेंट एंड कीप आस्किंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू ज्वाइन द सेशन। आई होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल, सो जल्दी से जवाब दीजिए। और एक और सवाल है, वो जो किताब है वो उन्होंने अपनी माँ के ऊपर लिखी है, शी हैज ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड द रिलेशन द बॉन्ड दैट शी शेयर्ड विद हर मदर, सो व्हाट वाज हर मदर्स नेम? जल्दी से सवालों के जवाब दीजिए और ये भी शेयर करिए कि लॉकडाउन में आजकल कौन क्या क्या इंटरेस्टिंग कर रहा है, मुझे भी बताइए। मेरे को तो दिन भर भूख लगती है, मैं दिन भर कुछ ना कुछ खाता रहता हूँ, तो जल्दी से मुझे बताइए कि आप लोग लॉकडाउन में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये लॉकडाउन है बॉस, इसको अच्छे से इस्तेमाल करना है। वी शुड वर्क ऑन अस, वी शुड वर्क ऑन ग्रूमिंग आवर पर्सनैलिटी। जल्दी से कमेंट सेक्शन। या नलिनी दत्त मैम, आई हैव ऑलरेडी सेंट हर द रिक्वेस्ट टू बी इन आर लाइव सेशन एंड शी विल बी ज्वाइनिंग रियली सून। या आई हैव सीन हर कॉमेंट एंड आई हैव ऑलरेडी सेंट द रिक्वेस्ट टू दिव्या मैम टू बी इन द लाइव सेशन एंड शी माइट बी ज्वाइनिंग वेरी सून। शी इज कमिंग वेरी सून, आई हैव ऑलरेडी सेंट द रिक्वेस्ट टू हर टू बी इन द लाइव सेशन एंड या शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट, दैट वॉज मी एंड मा एंड आई रेड द बुक, आई हैव द बुक विद मी नाउ एंड इट्स एक्चुअली अमेजिंग, इट्स फुल ऑफ इमोशंस, इट्स अ बंडल ऑफ इमोशंस, जो एक माँ और बेटी के प्यार को बहुत अच्छे से बयां किया है उस बुक में। शी हैज ऑलरेडी गॉट द रिक्वेस्ट, लेट मी चेक विद हर अगेन। आप लोग कमेंट सेक्शन में जारी रखिए कि आप लोग लॉकडाउन में क्या इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। आई नो यू ऑल आर गेटिंग वेरी इम्पेशेंट टू सी हर, बट शी विल बी ज्वाइनिंग वेरी सून, देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच, सो काइंडली बी पेशेंट। या हाय,
Hi, ma'am. After a lot of network issues, you are Oh here. my God, like really? How are you, name sir? Yeah, ma'am, I'm fine, and I hope you are also doing fine. I was not doing fine. I was like, why are we getting delayed? And then I got to know the glitches on my side. Okay, I'm sorry everybody, थोड़ा सा डिले हुआ लेकिन थोड़ा टेक्निकलिटीज का क्या कर सकते हैं. So a big hi to all the students and all the teachers and everyone who's watching and Mr. Gautam, who's the chancellor. My heartiest regards and best wishes for organizing this and thank you for having me with you. Ji Divyansh, let's go. I am also feeling, I still cannot believe that I'll be your host, and I still cannot believe one more thing that we both share the similar syllables in our name. I am Divyansh and you are Divya, so that cannot be a coincidence, but let's call it a coincidence for now. That's lovely. That's lovely. Yes, Divyansh. Actually, I have a smile on my face and my heart is beating a bit faster as I saw you joining. और आपके सामने आपको ही इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। Let me first say hi to everyone who's saying hi to me. Anjali, Mishra, Harsh. Hi, guys. Shashank, Ankita. जितने भी लोग मैं पढ़ पा रही हूँ, big hi to all of you, my dears. Manoj. Hey, that's nice. Guys, a big hi to you. G. A lot of people are, were eager to watch you, were eager to listen to you. Thank So, you. and even I was much eager to host you. So, इन्हीं लोगों की आवाज बनकर आज मैं आपके सामने हूँ। और आपके सामने आपको ही इंट्रोड्यूस करना एक गुस्ताखी हो सकती है, लेकिन ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता। तो आई वुड जस्ट गिव इट अ शॉट। इसको एक सफर की तरह ले चलते हैं, एक सफर जो शुरू हुआ पंजाब से। बचपन बीता पंजाब के एक सरकारी अस्पताल में खेलते हुए। द प्रिंसेस ऑफ हर पेरेंट्स हु वेंट टू सेक्रेड हार्ट्स कॉन्वेंट लुधियाना। एक लड़की जो कॉलेज और स्कूल की टॉपर थी, बट शी ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस। ये सफर जा पहुंचा स्टारडस्ट एकेडमी, और वहां से उस लड़की ने एक ऐसी उड़ान भरी कि आज आसमान भी उसको सर उठा के देखता है। एंड Thank आपने you. It's a beautiful introduction, my dear. Thank you very much. आपने जितने भी रोल्स निभाए उनकी नई जान डाली है। सो एंड दैट इज द रिजल्ट दैट यू हैव गॉट सो मेनी अवार्ड्स, एंड आई पर्सनली एडमायर यू अ लॉट, एंड आई Thank you. सी यू एज एज एन आइडियल। एंड सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ये लुधियाना से सिनेमा तक का सफर कैसे शुरू हुआ? मतलब काइंडली शेयर विद अस हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड योर जर्नी। फॉर मूवीज एक्चुअली मैं जब बात कर रही थी मैं सुन रही थी आपको एज व्हेन आई वाज फिक्सिंग द टेक्निकलिटीज ऑफ इट. मेरी अगली किताब आ रही है बहुत जल्द, इसी साल आएगी, व्हिच इज गोइंग टू बी माय जर्नी इन मूवीज, व्हिच इज अबाउट पीपल हु इम्पैक्टेड मी ब्यूटिफुली. एंड उसके अंदर ये सब मेंशन होगा, लेकिन मैं आप क्योंकि सब स्टूडेंट लाइफ मेरे लिए बहुत खास रही, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी आप सब लोगों से बात करने के लिए. सो आई थिंक माय बेस वाज माय स्टूडेंट लाइफ. जब आप छोटे होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, तो आई थिंक यू रियलाइज कि व्हाट इज योर कॉलिंग. तो क्लास में वो एक बच्चा जरूर होता है, आई एम श्योर आपके यहाँ भी होगा, जो जब टीचर नहीं आती है तो उसको एंटरटेनर बनाया जाता है कि खड़े हो जाओ, डांस करो, गाना गाओ, कुछ करो, टीचर नहीं आई है. सो आई वाज दैट एंड आई लव्ड माय ऑडियंस. आई लव्ड व्हेन माय फ्रेंड्स चीयर्ड फॉर मी एंड दे सेड हे एक और करना, एक और करना. एंड आई वाज एन आर्डेंट अमिताभ बच्चन फैन. एंड सो आई यूज्ड टू डांस ऑन हिज सॉन्ग्स एंड आई यूज्ड टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ माय सब फ्रेंड्स को घूस देती थी, गलत बात थी पर देती थी, गुलाब जामुन पार्टी, समोसा पार्टी. एंड उनको कहती थी आकर देखो मुझे. सो वो जो एक अप्लॉज मिलता था, वो जो एक एक्नॉलेजमेंट मिलती थी, अप्रिसिएशन मिलती थी, आई ऑलवेज थॉट आई वॉन्ट टू बी ऑन स्टेज. एंड जब आप बहुत कुछ बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो होता है वो कंस्पायर करता है उस चीज के लिए. एंड सो या आई कॉलेज में थी और मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स कर रही थी, हालांकि मेरी फैमिली में, मैं सबको बता दूं, आई वाज अबाउट टू से बच्चास बट आई थिंक आई विल से फ्रेंड्स. ऑल द फ्रेंड्स, द यंग फ्रेंड्स हु आर हियरिंग मी एंड वॉचिंग मी,
जब स्कूल में थी तो सब कुछ ऑब्वियसली पढ़ना पड़ता है, लेकिन देर आर सर्टन सब्जेक्ट्स यू आर नॉट सो फॉन्ड ऑफ. लेकिन कॉलेज एक ऐसी जगह है, यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपना एक बहुत खास मोड़ ला सकते हैं, जहाँ आप वो चीजें पढ़ सकते हैं जो आपको पसंद है. और मुझे मुझे लिटरेचर बहुत पसंद था, साइकोलॉजी बहुत पसंद थी, फिलोसफी पसंद थी, तो ये तीन मेरे सब्जेक्ट हुआ करते थे. आई स्टार्टेड टॉपिंग माय कॉलेज एंड समवेयर आई न्यू कि मुझे तो एक्टिंग करनी है. वहाँ हेड गर्ल थी तो पूरे इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया था जापान में फ्रॉम रेड क्रॉस. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक फेम मिला मुझे स्टेज पर आने का. आई वॉज एडजस्ट द ऑलराउंड बेस्ट स्टूडेंट इन द कॉलेज. फिर यूनिवर्सिटी में बेस्ट एक्टर करा दी गई. तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब सब कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोल रहा है दिस इज इट. So in spite of coming from a family of doctors, I wanted to be an actor, but I couldn't tell anyone how, कैसे होगा. मतलब लुधियाना जैसे बरेली एक टाउन है वैसे लुधियाना एक टाउन है, तो आप कैसे बोलते आज से 20-22 साल पहले कि भाई मुझे एक्टर बनना है. वो भी एक बड़ा प्रोटेक्टेड बैकग्राउंड था. तो जैसे मैंने कहा यूनिवर्स कंस्पायर करता है. तो स्टारडस्ट का एक कॉम्पिटिशन हुआ जैसे आपने बताया, और उसमें मैं सेलेक्ट कर ली गई और फिर यहाँ आई. और मेरी माँ ने मेरा बड़ा सपोर्ट किया. सब रिलेटिव्स ने कहा नहीं नहीं बच्ची को कहाँ भेज रहे हो, लेकिन शी हैड हर बिलीफ इन माई ड्रीम्स. शी सपोर्टेड मी अनकंडीशनली एंड शी वॉजंट स्केर्ड दैट मेरा बच्चा कहीं फेल ना हो जाए, कहीं लूज ना कर जाए. तो दैट मैटर्स अ लॉट आई थिंक टू अ चाइल्ड. एंड सो आई वॉज हियर. बहुत सारे रिजेक्शन फेस किए क्योंकि कोई गॉड फादर नहीं थे, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ पता ही नहीं था. नए आप सिरे से एक शुरू कर रहे हैं जहाँ आप इतने प्रोटेक्टेड हैं, जहाँ अंकल आंटीज सब बड़े लोग आपका इतना ध्यान रख रहे हैं, वहाँ आप एकदम सडनली अकेले हैं. और तो मैं जिस भी प्रोड्यूसर को मिलती थी सब कहते थे आप तो हमारी फिल्म कर ही रही हैं. सो आई यूज्ड टू बी सो हैप्पी एंड आई यूज्ड टू कॉल माय मदर एंड से मॉम आई एम डूइंग 22 फिल्म्स एंड आई गॉट टू नो कि मैं उनमें से एक भी नहीं कर रही थी. बिकॉज यहाँ कोई किसी को मना कर नहीं पाता. इट्स आई थिंक एनी बिजनेस दैट यू वुडंट से डायरेक्ट नो टू एनीबॉडी. बट आई लर्नड फ्रॉम रिजेक्शंस, फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट्स. आई लर्नड टू बी ऑन माय ओन. बिकॉज जब आप किसी चीज को बहुत प्यार करते हैं ना दिव्यांश, तो उसको आप यू मेक इट हैपन, यू डोंट गिव अप दैट इजीली. And I don't think my plus point was I never gave up. My work is my passion, was my passion, always will be my passion. And hence I think things kept happening. Aur dheere dheere kuch saalon baad mujhe mera apna niche mila. Maine apne tarah ke directors ke saath kaam kiya. Bahut pyare experiences hue. From doing multi starers to now doing roles jo mere liye likhe jaate hain, wo ek badi khoobsurat journey hai and I'm very proud of it. Yeah, so you have such a sweet nature and you did the roles that were indeed very bold, and you took your journey to all, through all the roles, through all kind of genres. And you, I have read your book. I have it in my hand, and it's not just a book. It's not just a book. I would say it's a bundle of emotions. You have poured your heart into it, और अपनी माँ का support और उसके साथ अपनी dedication, उससे ही आप आज इस मुकाम तक हैं. और इस मुकाम तक आपकी जो journey रही होगी उसकी शुरुआत एक doctor family से belong करना, उसके बाद लुधियाना जैसे शहर में, और उस जमाने में कोई expect भी नहीं करता होगा कि एक लड़की जो डॉक्टर्स की फैमिली में पली बड़ी और फिर एक कॉलेज टॉपर वो एक्टिंग की दुनिया में कदम रखेगी. सो इट मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट फॉर यू आई सपोज. आई थिंक व्हेन यू आर द फर्स्ट वन टू पेव द वे फॉर एवरीवन एल्स इट बिकम्स डिफिकल्ट. आज मुझे याद है मेरा जो स्कूल था, आई वाज फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल एंड आई वाज आल्सो द हेड गर्ल देयर. आई वाज द हाउस मुझे याद है क्लास में सबसे पूछा गया एक बार क्लास में कि आप लोग क्या बनना चाहते हो. एंड तब आज से 20-25 साल पहले दोस फ्यू प्रोफेशंस वर द आइडियल प्रोफेशंस. डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस ऑफिसर, ये पांच छह होते थे. इसके बियॉन्ड आप जाओगे तो वो ब्लास्फेमी है. तो सबने ऐसे ही बोला कि आई विल फॉलो माय पापाज बिजनेस, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी एन इंजीनियर. मैंने खड़े होकर बोला आई वांट टू बी एन एक्टर. पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास. आई वाज टेकन टू द प्रिंसिपल एंड दे सेड ये तो
कैप्टन है स्कूल की और ये ऐसा बोल रही है, तो मुझे वार्निंग दी गई थी. पहली बार लाइफ में मुर्गा बनी थी मैं. एंड लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज, मजा आया था पर मुर्गा बन के, क्योंकि पैशन वही था कि छोड़ूंगी नहीं, करूंगी तो वही जो करना चाहती हूँ. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो आपको वही चीज करनी है. आई वॉज वेरी गुड इन माई स्टडीज, लेकिन आई वॉन्टेड टू डू एक्टिंग एंड आई वॉन्टेड बी एन एक्टर. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बहुत साल के बाद उसी स्कूल के सब बच्चे टूर कर रहे थे, जो हम स्कूल ट्रिप्स पे जाते हैं, एंड दे ऑल केम टू मीट मी एंड माई प्रिंसिपल सेड देयर इज अ लिटिल चाइल्ड इन आवर स्कूल, थिंक अबाउट हिम वेयर ही कैन फिट इन एज एन एक्टर. सो आई वॉज लाइक, अच्छा आई वॉज द फर्स्ट वन. Now it's accepted. Now it's nice. तो वो जो पहला एक आप को एक step लेना पड़ता है जो किसी ने नहीं लिया, वो हमेशा थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप बहुत passionate हैं जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, then it is worth it. तो एक सफर आपने शुरू किया और कारवा बनता चला गया. So that's actually great. And you have not only actually I have heard somewhere, I have read in your book as well that when you entered the industry, you were known as the newcomer with a mithai ka dabba. So what's the mystery behind that? Yaar, hum bade sharif se chotu se, main ekdam bholi bhali thi, bachchu thi main ekdam. और वो होता है ना, हमारे यहाँ छोटे शहरों में एक रिवाज होता है कि आप किसी के घर जाएं तो आप खाली हाथ नहीं जाते ना. तो मुझे बस यही होता था. तो मेरी माँ जो थी वो लुधियाना में, वो ढोडा मिलता होता था वहाँ की बड़ी फेमस, आई डोंट नो बरेली में मिलता है कि नहीं, तो ढोडा मिलता था देसी घी का, ऐसा कमाल का वो मिठाई, कमाल की मिठाई होती थी. तो वो मैं हर प्रोड्यूसर के जहाँ जाती थी वो मैं एक मिठाई का डब्बा लेके जाती थी. तो रोल मिले नहीं मिले उनको ये जरूर याद रहता था कि वो जो लड़की आई थी ना न्यू कमर मिठाई का डब्बा लेके. माय इंट्रोडक्शन वाज दैट, मैंने अपनी माँ के बड़े बेचारी के पैसे खर्च हुए थे उस टाइम. That's the mystery behind the newcomer with mithai ka dabba, and that newcomer is has taken away all the hearts with her, with her work, with her dedication towards her work. और आपने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, आपने पंजाबी सिनेमा में भी काम किया है. So what difference do you see between the two industries, and how do you suggest our aspirants who want to take, who are seeking place in film industry to approach different film industries of such a diverse nation? I think we are talking about two separate questions. दोनों इंडस्ट्रीज में क्या फर्क है, हिंदी और पंजाबी. तो मैं जब आई थी तो आई थिंक आई बी लकी के पंजाबी फिल्म हो या हिंदी, मैंने अच्छी फिल्में की जो ग्रैंड स्केल पे बनी, जो अच्छे एक्टर्स के साथ बनी, जो अच्छे डायरेक्टर्स ने बनाई. तो मेरी पहली पंजाबी फिल्म शहीद मोहब्बत थी जो गुरदास मान के साथ थी, एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स दैट वन कुड हैव. तो मुझे उस वक्त ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ कि ये हिंदी फिल्मों से किसी तरह से अलग है. आई थिंक इट्स मोर अबाउट द रीच अ फिल्म हैज, but that particular Punjabi film had a global reach because there are Punjabis everywhere. Aur wo film itni pasand ki gayi ki Mumbai mein ek hamara bahut commercial masi theaters hain jinhe Gaiti Galaxy kaha jata hai. To jitni badi super hit filmein hoti hain unki wahan bade bade queues lagte hain. To us Punjabi film ke liye log advance booking karke lambe queues laga rahe the, so that kind of broke records. So I'm saying, I think for me, a film is a good film or a bad film, and it depends on what kind of reach you have. Your second question about how a new person should approach, I think ab to bahut
आसान हो गया है क्योंकि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अब बहुत सारे न्यू कमर्स को लोग देखना चाहते हैं. पहले बहुत मुश्किल होता था क्योंकि सिर्फ हिंदी फिल्में, सिर्फ फीचर फिल्म्स होती थी या टेलीविजन होता था, तो तब ये भी डिमार्केशन होता था कि जो टीवी एक्टर है वो फिल्म नहीं करेगा, जो फिल्मी एक्टर है वो टीवी नहीं करेगा. एक आर्ट फिल्म होती है, एक कमर्शियल फिल्म होती है, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट थी. अब एक बहुत खूबसूरत मैरिज हो गई है हर चीज के बीच में. अब एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड एज लॉन्ग एज इट इज गुड एंड पीपल लाइक इट, बिकॉज आई थिंक द ऑडियंस हैज बिकम वे फार सॉर्टेड विद व्हाट दे वांट टू सी, व्हाट दे लाइक, व्हाट सो आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट. सो लॉट्स मेनी थिंग्स हैपनिंग. अब तो कितने न्यू कमर्स आ गए हैं, सब कहते हैं ओटीटी में आ जाओ. तो कोई मार्केटिंग का वो जरूरी नहीं है कि हीरो कौन होगा. वो जो एक ग्रैंड एंट्री होती थी स्टारिंग सो एंड सो, that's not relevant anymore. What is more important is an actor, a story, and how it is presented. So, and you have actually done that work. आपने जितने भी कैरेक्टर्स किए, जितने भी रोल्स किए, उनको आपने जो एक जीवन दिया है, वो लोग आज भी याद करते हैं. आई वॉज जस्ट वॉचिंग स्पेशल ऑप्स अ फ्यू डेज बैक, एंड आई कैन स्टिल रिमेम्बर ईच एंड एवरी लाइन दैट यू सेड, एंड ईच एंड एवरी डायलॉग दैट यू सेड. सो दैट इज वेरी मेरे तो ट्रू कि डायलॉग्स ही बहुत कम है स्पेशल ऑप्स में, हालांकि आई गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड फिल्म फेयर फॉर दैट. लेकिन मेरे डायलॉग्स, वो नीरज जो है डायरेक्टर, वो मुझे बहुत कम डायलॉग देते हैं. टोटल मेरी आवाज कितनी अच्छी है, आप यूज क्यों नहीं करते? ही ऑलवेज लाफ्स, बट आई लव वर्किंग विद हिम. ही इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर्स एंड आई थिंक ही ऑलवेज नोज के इसको अलग तरह से कैसे प्रेजेंट करें. सो या स्पेशल ऑप्स इज वेरी स्पेशल टू मी. एंड आपने भाग मिल्खा भाग, दिल्ली छे, इरादा, वीर ज़ारा, इन सारी फिल्मों के लिए भी ढेर सारे अवार्ड्स जीते. सो कैन यू शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंस व्हाइल वर्किंग इन दोज फिल्म्स एज वेल? फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, जब मैंने वीर ज़ारा की तो तब तो मैं वीर ज़ारा, आई वाज वेरी स्केप्टिकल टू डू वीर ज़ारा. हालांकि इट वाज अ यश चोपड़ा फिल्म एंड एन आदित्य चोपड़ा फिल्म, तो इट वाज एनी न्यू कमर्स ड्रीम टू टू बी इन दैट थिंग. बट मुझे फ्रेंड का रोल नहीं करना था, तो मुझे मतलब एक प्रॉपर लीड करना था. लेकिन जब मैंने आदित्य चोपड़ा से बात की तो ही सेड वन थिंग, आई कैन प्रॉमिस यू यू विल always be loved and remembered for this role. The way he said it to me, there was something about it that I instantly said yes. And he was so right, because जो प्यार मुझे वीर ज़ारा के लिए मिला वो आज तक मिलता है. आज तक लोग मतलब आई एम बिग इनाफ मेरे गाल खींचते हैं, और वो बहुत ज्यादा उस फिल्म से लोगों के साथ एक मेरा कनेक्ट बना. लेकिन एक उसकी फ्लिप साइड ये रही कि फिर मुझे हर फिल्म वीर ज़ारा जैसी ऑफर होनी शुरू हो गई. पंजाबी, वाइवेशियस, चुलबुली, तो मैं एक साल वीर ज़ारा के बाद घर बैठी और मैंने कहा मुझे नहीं करना. एवरीवन थॉट शी इज गॉन मैड, बिकॉज आई वाज गेटिंग द बेस्ट ऑफ ऑफर्स, द बेस्ट ऑफ मनी, द बेस्ट ऑफ मेकर्स. लेकिन आई डिडंट वांट टू रिपीट माय सेल्फ गोइंग एंड लुकिंग एंड फीलिंग द सेम ऑन एवरी सेट. तो एक साल बैठी और उसके बाद मुझे दिल्ली 6 ऑफर हुई. तो उस टाइम तक मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी. तो जब राकेश मेहरा का फोन आया कि भाई मैं दिल्ली 6 बना रहा हूँ, तो आई सेड पंजाबी रोल है? ही सेड नो. आई सेड चुलबुला रोल है? तो ही सेड नो. आई सेड तो आप मुझे क्यों बुला रहे हो? सो ही सेड बिकॉज आई थिंक यू आर अ गुड एक्टर. सो दैट ही रिइटरेटेड दैट फेथ दैट वाज लिटिल शेकन एंड आई वाज यस, कि एक डायरेक्टर आपको कितनी अलग तरह से देखता है ये बहुत मैटर करता है. सो ही गेव मी दिल्ली 6. उसके बाद सब रोल दिल्ली 6 जैसे मिलने शुरू हुए. फिर मैंने स्टैनली का डब्बा की, जो एक टीचर का रोल था, बहुत सुंदर वो था. उसके बाद भाग मिल्खा भाग के बाद सब सिस्टर रोल्स ऑफर हुए. उसके बाद बदलापुर की, तो सब ऐसे अच्छे रोमांटिक रोल्स ऑफर होने शुरू. सो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस, कि आप जो भी अच्छा करते हो लोग आपको वैसे ही देना शुरू करते हैं. ट्राई ब्रेकिंग इट एवरी टाइम. So I enjoy that journey to break that myth of having an image. I don't like images. I love to experiment. And the best thing is कि मुझे लोग मुझसे expect ये करते हैं कि सेम मत कर. So I think that's a blessing. And my first national award was for Irada that you just mentioned. And I was so surprised. That was my first film after my mother, and I think it was her blessing that I got the national award after so long.
So yeah. It was indeed her blessing, and it was the work that you put in your role. So, आपके सफर के बारे में जितनी बातें हैं उतनी कम हैं, लेकिन चलते हैं आपके बचपन की ओर. आपने अपने स्कूल के बारे में बताया, आपने अपने कॉलेज डेज के बारे में बताया. यू वर द एंटरटेनर ऑफ द क्लास. सो डू यू थिंक द स्कूल एंड द कॉलेज लाइफ हैज changed nowadays as compared to the times back then when you were in school or college? Yeah, I'll be honest. I think it was in the best times because humne wo jo khoobsurat outdoor cheezein hoti hain, ab hum bahut technology driven ho gaye hain. Har cheez hamare mobiles par hai, har cheez hamare laptops par hai. Wo library mein jaake kitabein dhoondna, aise ki kaun si teacher ne kitab boli thi. वो चुप करके साइलेंस के बोर्ड्स लगे हैं और वहां पे ऐसे सर नीचे करके वो करनॉट चिट्स पास करके गप्पे मारना, यू नो, सिटिंग इन द गार्डन एंड स्टडिंग, फ्लिपिंग द पेजेस, डूइंग ऑल दैट मस्ती. आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम. एंड आल्सो टू सी दिस वन, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज अफेक्टेड इट, इट्स बिकम बेटर एजुकेशन वाइज. वी आर लॉट मोर टेक्निकली इक्विप्ड फॉर बेटर एजुकेशन. But wo jo ek rawness thi na, I think I'm glad and I'm lucky that I could see it and I could feel it and enjoy the school and college life and do all the naughty brat things and still be studying enough. So yeah, I think things have changed, but I'm happy I belonged to that era. So I wish I was there in your school. I wish I would have shared some of the days when you were in school or college. But technology has affected and given me these. That, my dear, is good food and not going out for a walk too much. Yes. But I think you look cute anyway, so that's fine. That's a compliment that I'll remember throughout my life. A good thing is to be healthy, and that's what matters. Nothing else matters. Yeah. Yeah, actually. So कहते हैं कि कलाकार किस हद तक अपनी सीमाओं को ले जा सकता है ये कोई नहीं बता सकता. और आप सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं, अपनी कलम और शब्दों से भी लोगों के दिलों पे राज करती हैं. एंड मैंने सुना भी है कि दैट यू राइट सम अमेजिंग पीसेस ऑफ पोएट्री. आई हैव हर्ड वन ऑफ योर पीसेस ऑन योर इंस्टाग्राम. जब सब ठीक होगा तो ये तो कर ही लेंगे. एंड यू हैव रिसाइटेड वन ऑफ योर ब्रदर्स पोएट्री दैट वाज बेस्ड ऑन जेंडर इक्वालिटी. So, would you like to share one of your poems with us? I think those two have been like really heard a lot. So, बहुत सुन ली गई हैं. I could just tell you one of my mother's poetry, which I love to recite, which has been my very favorite, which is मैं सितारों से बातें करती हूँ. मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ. कभी कभी उनसे पूछ लेती हूँ, क्या तुम्हारी तरह आसमां के अंधेरों में चमक पाऊंगी, जिंदगी की इस शहर में क्या कभी टिमटिमाऊंगी. तभी एक सितारा टूट जाता है मेरी गुमनामी की तरह किसी अंधेरे में, दूर कहीं दूर खो जाता है. फिर भी मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ. सो आई थिंक दिस इज मोर अबाउट belief and hope and faith in yourself and the universe around, that in spite of all the setbacks and disappointments, you still talk to the stars. And that for me is my mantra of life too. And your mother has truly given a beautiful mantra of life to you. Aur I can just say after hearing this ki aasman bhi aapke kadmon tale rehta hai, kagaz bhi kalam se shayad yahi kehta hai ki adakari mein jisne lakhon dil jeete uske likhe har lafz pe khuda ka bhi sar jhukta hai. Kya baat hai Divyansh, shukriya. That was beautiful. I wrote this just now. I wrote this while listening to you. You wrote it yourself? Yeah. Whoa, we have a writer in the making here. That's lovely. That's nice.
Your mother has always been your inspiration, and it's clearly evident. ये साफ दिखता है आपकी उस किताब में, मी एंड माँ. तो you believe that she is the one behind you always. She is the one behind your success. She is the one who is always supporting you. And you have written such a wonderful memoir of your days with your mother. So उस बुक के बारे में भी प्लीज कुछ बताइए. ये मेरा बिलीफ नहीं है, ये फैक्ट है कि मेरी माँ मेरी रॉक थी और हैं अभी भी. फर्क इतना है कि अब वो बाहर नहीं है, अब वो मेरे अंदर समा गई हैं. तो हम अंदर से ही गप्पे मारते हैं. सम थिंग्स आई थिंक इन लाइफ यू, सम पीपल इन लाइफ यू कांट डू विदाउट, एंड माय मदर श्योरली इज दैट. आई थिंक आपने तो किताब पढ़ी है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है, इट टेल्स अबाउट, एक्चुअली मैं जब छोटी थी आई लॉस्ट माई डैड वेरी अर्ली इन लाइफ. एंड मेरा सबसे बड़ा डर ये था कि आई डोंट लूज मॉम एवर. तो उस खौफ के साथ मैं बड़ी हुई. एंड मेरी माँ ने जो अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, और एक तरह से एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता था हमारा. वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी. तो कोई गलती की, कोई नया फ्रेंड बना, कुछ फेल हो गई, वो सब बताती थी चीज़ें मम्मी को. और ये डर नहीं था कि मैं जज हो रही हूँ. और कुछ अच्छा करती थी वो भी बताती थी. So she was the first one I used to run to. It was never my best friend or never my friends. It was always her. And the thing is, she always told me, if you fall, you just have to get up and hold my hand. That's it. So I was lucky, I think, because वो चाहती तो बहुत strictly मुझे कह सकती थी, no, I want you to be an IAS or I want you to be a doctor. लेकिन she said, okay, if my daughter wants to be an actor, I never want to feel that she never got that chance. I didn't allow her that chance. And I can't tell you, Divyansh, I am so happy that she believed in me, because jab aap wo profession mein hote hain jo aap pasand karte hain and you earn well out of it, there's no better feeling. Kahin main roz ye sochu, kahin office mein baithi hu ki yaar ye to nahi karna tha. हालांकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं उसको भी, वो भी जिंदगी अच्छी है, लेकिन जो पैशन है आपका, आप उसे फॉलो करके उसे अपना प्रोफेशन बना रहे हैं. आई थिंक सो माय मदर बिलीव्ड इन दैट एंड शी मेड इट हैपन. आई कांट टेल यू, आई थैंक हर एवरी डे. सो व्हेन शी वाज पासिंग ऑन, मैं पहले तो शॉक में आ गई, फिर मुझे लगा कि आई हैव टू सेलिब्रेट हर विद द वर्ल्ड. आई हैव टू टेल हर व्हाट एन आइडियल पेरेंट हैज टू बी फॉर द चाइल्ड टू ब्लूम ब्यूटीफुली, गेट नर्चर्ड ब्यूटीफुली. And that's when I thought of this title, Me and Ma. That's when I thought of my publishers, Penguin, ki mujhe ye chahiye, ye chahiye. I think that book was blessed. I finished it quickly. I wanted Shabana ji to write the foreword for me. She was kind enough to read it and she said, yes, I'm doing it. Then my brother said, acha, ab launch karna hai isko achhe se, to kisse launch karwana hai tumne? I said, yaar, mera bus chale to main Bachchan sahab ko bolu. कि मम्मा वाली बुक इससे बेटर क्या होगा. तो ही सेड देन व्हाट स्टॉप्स यू. आई सेड आई डोंट नो, इट फील्स अ लिटिल ऑकवर्ड टू आस्क. ही सेज पिक अप द फोन एंड मैसेज हिम. सो आई वाज वेरी नर्वस फॉर वन डे. आई डिडंट, आई वाज लाइक जस्ट थिंकिंग एंड कंटेंप्लेटिंग, एंड देन आई फाइनली मैसेज्ड हिम. और फाइनली उसी दिन शाम को मुझे उनका मैसेज आया कि यस आई विल डू इट, टेल मी वेयर एंड व्हाट टाइम. सो आई एम सेइंग दैट बुक वाज सो ब्लेस्ड. And the kind of love I got for it, ab iska audio bhi aa gaya, ab iski Hindi translation bhi aa rahi hai. So I'm so glad ki abhi main airport pe kahin pe utri to somebody came and just hugged me, corona se pehle just hugged me, and they said thank you. The first thing I did after reading the book was I just went and hugged my mother, and I just called mom and said I love you. So ye cheeze aap jab apne रीडर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है. सो आई एम ग्लैड आई कुड रीच दैट साइड ऑफ देयर हार्ट थ्रू माय बुक, एंड आई होप आई कैन डू द सेम विद माय नेक्स्ट वन. एंड या आई थिंक आई एम डूइंग द टू प्रोफेशंस व्हिच एक्सप्रेस द मोस्ट, व्हिच इज राइटिंग एंड एक्टिंग, एंड आई एम ग्लैड आई कैन डू बोथ. या एक्चुअली it the book touched the heart because it came from within your heart. So that's why I believe it touched the heart of everyone, if every reader. And I actually felt emotional while reading it, and each and every page had its own mystery, each and every page had its own emotion, be it
be it fun, be it the love that you share with your mother. So we are coming towards an end of this live session. So the youth today is much more interested in looking good. Even I tried looking good for this live session, but unfortunately, you are overpowering. You are this much, and I am. I'm just looking. I cannot hide my fat anyhow. So the youth today is much more concerned about looking good and smart and beautiful, and you know, many of them dream about being an actor or actress. So and many of our inversions are doing actually great in this field. They are struggling a lot. They are giving their lives towards their passion that might be acting. So any message you want to give to the inversions and the audience listening to you through us that might inspire them in their lives ahead? First of all, I'd like to really wish inversions all the very best for a very bright future. And I think you guys are very fortunate that you belong to such a prestigious university. मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में वापस जाती हूँ तो एक एक जो कदम रखती हूँ हर क्लासरूम में घुस के देखती हूँ कि यहाँ क्या दिन बिताए थे. आई एम श्योर यू गोइंग टू डू द सेम. सो जस्ट व्हेन द नॉर्मल टाइम्स बिगिन एंड यू गो बैक टू योर क्लासेस, जस्ट एंजॉय एंड चेरिश ईच मोमेंट ऑफ बीइंग देयर, बिकॉज़ दीज आर द गोल्डन इयर्स ऑफ योर लाइफ एंड यू लुक बैक एंड ऑलवेज स्माइल रिमेंबरिंग योर क्लासेस, रिमेंबरिंग योर फ्रेंड्स, रिमेंबरिंग ऑल द लिटिल थिंग्स दैट यू डिड. And I just want to say, follow your dreams always. I have followed mine, and I would just suggest, of course, they have to be reasonable. You can't just think of something unreasonable. But if you know you can, then you must. And that, and about looking good, I think, yaar, sab sundar dikhna chahte hain. Hum 10 baar mirror dekhte ki, yaar, ye achha lag raha hai, ye achha lag raha hai. Why not? But it should not be an obsession. Ek fark hota hai. अच्छा प्रेजेंटेबल खूबसूरत दिखना बहुत जरूरी है, लेकिन जो आपकी आपके अंदर जो टैलेंट्स हैं, आपके अंदर जो पॉजिटिव चीजें हैं, वो हमेशा इसको ओवरपावर करेंगी कहीं ना कहीं. व्हेन आई केम इन एवरीवन सेड, ओ बट शी इज नॉट द रेगुलर टॉल एंड थिन एंड एवरीथिंग, तो कैसे. सो आई थिंक इट्स बीन 25 इयर्स एंड आई हैव बीन सेलिब्रेटिंग बीइंग एन एक्टर. And more so with every passing year. So I think you should just celebrate yourself the way you are. Be happy in your skin. Be happy with who you are. और मेरे को लगता है हम ना दूसरों को ज्यादा देखते हैं, हम खुद को प्यार करना भूल जाते हैं. मैंने भी रिसेंटली सीखा है. I was always criticizing, यार मेरा ये थोड़ा ऐसा है, ये थोड़ा ऐसा है. You should love yourself, because when you love yourself, when you appreciate yourself, you pass on that energy to people to do that with you as well. So first and foremost, just be very proud of who you are, how you are, what you are, and have the confidence in yourself. And I think baki cheezein jo hai na wo fall back kar jati hain aaram se in place. So yeah, that's true. We should love ourselves, and we agar aap mein hunar hai to aapki shakal surat koi matter nahi karti. और अगर आप उस हुनर को निखारने पे काम करते हैं तो ये सब शक्ल ये भी निखारना चाहिए, लेकिन ये जो है ये बहुत निखारना चाहिए. वो खुद निखर जाती है अगर आप अपने हुनर पे काम कर रहे हैं तो. So with this we come to an end, and ma'am, it is a great, 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 great pleasure having you with us, and I am overwhelmed that I cannot thank you in words on behalf of whole Inverters family for joining this live session after so many technical glitches and making it really an amazing one. Thank you, Dinesh. I would like to thank Mr. Ramesh Gautam and all the hearts that are coming in here with all the love that is pouring in. Thank you guys, have a very bright future, and thank you for having me here, and I hope I brought you some smile and some little moments that will be relevant for you in your life. Shukriya. Thank you so much, ma'am. I wish you health and happiness. Thank you so much for being here. Thank you, my dear. Bye bye. So I hope आप सबको मजा आया होगा. जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ और वेट करो अगले लाइव टॉक शो का. सो कीप गेसिंग
एंड लेट मी एंड इट विद टू लाइंस. जिंदगी है, जिंदगी को खुल के जिया जाए, रोना आए तो थोड़ा हंस लिया जाए, हर मुश्किल आसान हो जाएगी अगर मंजिल सामने हो तो हौसले से काम लिया जाए. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और जुड़े रहिए अगले लाइव सेशन तक, और मिलते हैं अगले लाइव सेशन में एक नए सेलिब्रिटी के साथ. सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.